हाय गाइस, अवधेश पंडित टेक्निकल हब में आप सभी का स्वागत है। क्या आप लोगों को पता है कि पीटीओ ईयर एंडिंग मिलता है कि नहीं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि अगर मिलता है तो उसकी वैलिडिटी कब तक होती है। तो आज इसी सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं जो आपको बता दूं कि पीटीओ जो है पास के जैसा पीटीओ भी ईयर एंडिंग होता है। आप जो जितना सीट बचा हुआ है वो आप ईयर एंडिंग में ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ ये कि जैसे आपकी पास की वैलिडिटी, ईयर एंडिंग पास की वैलिडिटी 30 मई तक होती है, सेम पीटीओ भी ट्रीट करता है। पीटीओ की भी वैलिडिटी, ईयर एंडिंग पीटीओ की वैलिडिटी 30 मई तक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप जो है अपना पीटीओ, जो भी बचा हुआ पीटीओ है, आप अगर लेना चाहते हैं उसको 30 मई के पहले अपना पीटीओ ले सकते हैं और उस पर टिकट इजी वे में करा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं आएगी और आप सफ़र भी कर सकते हैं। तो और उसकी वैलिडिटी 30 मई तक होगी। तो चलिए देखिए, दूसरा चीज़ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका ईयर एंडिंग पीटीओ कितना सीट बचा हुआ है। इसके लिए वीडियो में बने रहिए, मैं आगे वीडियो लेकर चलता हूँ। सबसे पहले हम IHRMS में लॉगिन कर लेंगे। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया हूँ, आप अपना HRMS लॉगिन कर लेंगे। HRMS में लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें हमको ईयर एंडिंग पीटीओ का सेट देखने के लिए हम ई पास पर क्लिक करेंगे। कितना सेट मेरा पीटीओ बचा हुआ है ईयर एंडिंग में वो हम देखने के लिए ई पास पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ई पास जहां लिखा हुआ है ऊपर से चौथा नंबर में, चौथा स्टेप में लिखा हुआ है ई पास। ई पास पर मैं क्लिक करता हूँ। ई पास पे क्लिक करने के बाद ऐसा खुलेगा इंटरफेस। अब इसमें हमको देखना है कि अप्लाई पास कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ऊपर से तीसरा टेबल में अप्लाई पास लिखा हुआ है, अप्लाई पास पे हम क्लिक करेंगे। देखिए अप्लाई पास पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें ऊपर में लिखा हुआ है सेलेक्ट टाइप ऑफ पास, उसके नीचे लिखा हुआ प्लीज सेलेक्ट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद लिखेगा यहाँ पे ऊपर में प्रिविलेज पास और नीचे में प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो हमको पीटीओ देखना है तो हमको प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ठीक इसके सामने वाले बटन पे जहाँ गो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैंने गो पे क्लिक कर दिया। अब कुछ सेकंड वेट करेंगे और ये पेज खुल जाएगा। देखिए खुल गया। अब लिखा हुआ है पास ईयर 2021 फुल सेट और हाफ सेट। देखिए ये आपका पीटीओ का डिटेल दिखा रहा है। अगर पीटीओ ईयर एंडिंग नहीं मिलता तो यहाँ पे ये सब एक्सपायर हो चुका होता और फिर शो नहीं करता। देखिए अब आपको तो पूरा कंफर्म हो गया होगा ना। देखिए लिख रहा है ना स्पष्ट 2021 का। अभी मैं 2022 में इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज तिथि है, देख लीजिए 20 फरवरी संडे है 2022 है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि देखिए 2021 का मेरा पूरा फुल सेट 4, या उसी को अगर हाफ सेट में कहेंगे तो 8 सेट, 8 हाफ सेट या 4 फुल सेट पीटीओ मेरा 2021 का बचा हुआ है, जो ईयर एंडिंग पीटीओ बोला जाएगा, वो 4 सेट बचा हुआ है। और मैं इस पीटीओ को 30 मई के पहले कभी भी ले सकता हूँ, 30 मई 2022 के पहले कभी भी ले सकता हूँ, यानी इसकी वैलिडिटी 30 मई 2022 तक रहेगी। तो इस तरह से मैं अपना पीटीओ का सेट कितना बचा हुआ है
वो भी ईयर एंडिंग पीटीओ जो बचा हुआ है सबसे पहले हम उसको कंज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर उसको नहीं कंज्यूम करके 2022 का पीटीओ अगर अप्लाई करते हैं तो 2021 का स्वतः कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि एक्सपायर हो जाएगा। अगर अभी हम मेरा 2021 का पीटीओ ऑलरेडी बचा हुआ है और मैंने अगर 22 का अप्लाई कर दिया तो 21 का स्वतः एक्सपायर। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि पहले 2021 का पास और पीटीओ को हम उपभोग कर लें, उसके बाद 2022 का पास पीटीओ के लिए अप्लाई कर सकेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, तो फिर आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए वो आपको तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।